हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मैं शिष्टा पंडा आपको स्वागत करती हूँ. रेन लिली की फ्लावर को लेकर के आज मैं प्रेजेंट हुई हूँ आपके सामने. आप ये देख रहे हैं रेन लिली. असल में ये रेन लिली है और रेनी सीजन में खिलता है. और इस बार जैसे पूरा इंडिया में तो बारिश हुआ, लेकिन गाजियाबाद में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुआ. और बारिश नहीं होने के कारण रेन लिली इस बार थोड़ा कम खिले हैं. और अभी एक हफ्ता पहले थोड़ा सा बारिश हुआ था आफ्टरनून में, जिसके बदले में ये मुझे फ्लावर मिला है एज अ गिफ्ट फ्रॉम द नेचर. और ये फ्लावर है जेफ्रेंथिस का बॉटनिकल नेम है. और ये फ्लावर बहुत ही प्रेटी. और ये पेरिनियल फ्लावर यानी कि रहता है पूरा सालों साल रहता है. केवल इसकी जो ये लीव्स है, ये लीव की जैसे देख रहे हैं इस तरह से जो टिप पार्ट है ये सूख जाता है, कुछ ऐसे ड्राई हो जाता है. और फिर लेकिन इसके बल्ब को अगर हम रख देते हैं तो बल्ब ये रह जाता है. बल्ब की दूसरी आप छोटे छोटे गमले में और भी लगा सकते हैं इसके बल्ब को लेकर के. और ये फिर वो ब्लूम भी देता है. इसका बेस्ट पार्ट है ये 3 कलर में अवेलेबल होता है, पिंक, येल्लो और वाइट. और सबसे मज़ेदार बात है, मैं लास्ट ईयर, ये 2-3 साल हो गया है मेरे घर में ये प्लांट. और लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं इसके लास्ट ईयर थोड़ा अच्छा बारिश हुआ था तो मैं इसके बीज को लेकर के 2-3 जगह डाल दिया था. और टू माय सरप्राइज मैंने देखा कि इसके पिंक फ्लावर वाला सेड ये सूख जाने के बाद थोड़ा ऐसे इतनी छोटी छोटी जैसे टैबलेट जैसा हो जाता है, 3 पॉडेड इस तरह से होकर के सीड हो जाती है. और उसकी सीड को लेकर के आप निकाल करके कहीं पे भी सॉइल में डिग कर दीजिए और उसी सीजन में ही बारिश में वो सीडलिंग आउट हो जाती है और देने उसके फोलियज भी निकलते हैं और फ्लावरिंग भी हो जाती है. हुआ क्या, मेरे जो येलो यानी कि पिंक कलर की फ्लावर था, पिंक कलर की फ्लावर की सीडलिंग को मैं लेकर के सीड को लेकर के मैंने सॉइल में डिग कर दी. और कुछ दिन के बाद देखती हूँ, 1-2 महीने के बाद उसमें येलो फ्लावर निकले. तो हमें बताया जाता है जिस तरह से फ्लावर की सीड में कौन से कैरेक्टर है ये हमें पता नहीं है. तो इस तरह से ये फ्लावर को आप इसके जो सीड बनता है आप इसको सॉइल में जब लगा देते हैं दूसरी बार तो आप दूसरे दूसरे कलर का भी फ्लावर पा सकते हैं, जैसे कि येलो, जैसे कि वाइट, इस तरह से फ्लावर भी पा सकते हैं. और तो ये भी बढ़िया लगता है, कलरफुल हो जाता है बिल्कुल, येलो, पिंक, वाइट, तो ये अच्छा भी लगता है. अभी जैसे मैंने एक छोटी सी जो 2-3 बार बारिश से जो 2-3 फूल हुआ था उसकी सीड को मैंने लेकर के इसी साल ही अभी लगाई थी और समर में अब इसकी फोलिएज निकल आया है और छोटी छोटी बल्ब होता है इसका. और इसकी बल्ब को लेकर के हम सॉइल में डिग कर देते हैं और छोटी छोटी सी इस तरह से पतली पतली सी ग्रास लाइक लिप्स आ जाता है. और ये अगर बारिश हुई, अभी तो सितंबर महीना आने को है, आज है अक्टूबर 26, तो अगस्त 26, तो अगर ये इस तरह से रहा, बारिश नहीं हुई, तो मुश्किल लगता है मुझे इस बार फ्लावर आने में, इस पे अगले साल फ्लावरिंग दे सकता है ये. और ये जीता भी है इस तरह से नहीं, हाँ विंटर में थोड़ा सा ये पानी को बीच बीच में देना पड़ता है, बिल्कुल इसको हम पानी से इसको अलग नहीं कर सकते हैं, पानी देते रहेंगे तो ये आराम से अपना अगले साल के लिए फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाता है. और ये रहा मेरी सॉइल की कंडीशन, आप तो देख ही रहे हैं मेरा सॉइल थोड़ा सा सूखा रहता है, ज़्यादा भी मैं गीला नहीं करती हूँ, इस तरह से मेरी सॉइल की कंडीशन रहता है, मॉइस्चर है. और जैसे 2-3 दिन में मैं पानी देती हूँ तो मॉइस्चर भी रहता है. और ये जो प्लांट है इसको मॉइस्चर हमेशा पसंद है, पानी पसंद है इसको, बिल्कुल ड्राई, एकदम सॉइल ड्राई हो जाना इसको पसंद नहीं है. तो बीच बीच में इसको पानी देते रहें, एटलीस्ट हर 2-3 दिन में आप इसको जरूर पानी दीजिए, अच्छी तरह से इसको बिल्कुल बढ़िया से पानी दे दीजिए, सॉइल को बिल्कुल ड्रेंच कर दीजिए.
अब इसके जो फ्लावर है, ये फ्लावर भी रहता है, 2-3 दिन तक इसके फ्लावरिंग रहता है और ये जल्दी भी मुरझाता नहीं है। इसके फ्लावर को भगवान को भी मैं देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसके फ्लावर को, मुझे बढ़िया लगता है। लिली तो लिली है, अब मुझे बढ़िया लगता है। और इसके फ्लावर को देख रहे हैं आप, पिंक कलर की और गोल्डन कलर की, आंथेर व्हाइट कलर की, एक जैसे कि है इसकी गाइनोसियम, तो बहुत ही बढ़िया मजेदार फ्लावर ये हो जाती है, सुंदर दिखाई देता है, एकदम आर्टिस्टिक काइंड ऑफ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसका कभी कभी डबल पेटल वाला भी आता है, और इससे छोटी छोटी पिंक कलर का भी फ्लावर आता है। ये थोड़ा मेरा बड़ा वाला फ्लावर है, कभी कभी छोटी वाला पिंक फ्लावर भी आता है। और इसकी सॉइल तो आपने देख लिया, पानी तो इसको देते रहना चाहिए, 2-3 दिन में देते रहना चाहिए, बिल्कुल सॉइल को ड्राई आउट नहीं करेंगे। और इसको जो सॉइल है, थोड़ा एसिडिक सॉइल ये पसंद करता है, तो बीच बीच में आप इसको जो नींबू हम यूज करते हैं, उसी नींबू की छिलके को आप ओवरनाइट एक कंटेनर में रख दीजिए, थोड़ा पानी के साथ, जैसे कि 1 कप पानी में एक आधा नींबू का स्क्वीज्ड होने के बाद जो नींबू की छिलका रह जाता है उसको आप पानी में डाल दीजिए, अगले मॉर्निंग में इसको दे दीजिए, तो थोड़ा एसिडिक सॉइल इसको अच्छा लगता है। तो 15 दिन में एक बार कर देंगे तो उतने उतने ही जो एसिडिक वाटर है, एसिडिक डाइल्यूटेड वाटर है, इसको एनफ है, तो ये ऐसे ही पसंद करता है। और बाकी रहा, इसको इस तरह से आप धूप में रखिए, जहाँ जहाँ की आफ्टरनून की धूप ज़्यादा इसको लगे नहीं, आफ्टरनून में 12 बजे के बाद हमारी धूप तेज होता है, तो आफ्टरनून की धूप इसको पसंद नहीं आती है। तो आप इसको ऐसे पार्शियल धूप की जगह, टेम्परेचर तो लगे इसको, ब्राइटनेस तो इसको चाहिए, ये फ्लावरिंग प्लांट है, टेम्परेचर तो मिले, लेकिन हाँ बहुत ही एकदम डायरेक्ट सनलाइट में इसको मत रखिए। बाकी ये प्लांट आपकी बढ़िया प्लांट है, 2-3 साल तक रहने वाला प्लांट है, 2-3 साल के ज़्यादा भी रहेगा, और इसके सीड की जो सीड से ये ग्रो हो जाता है, इसके बल्ब भी आता है, अगर ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है बल्ब, ये बल्ब दिखाई दे रहा है, असल में ये बल्ब दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ये बल्ब दिखाई दे रहा है, तो इसके बल्ब को लेकर के भी हम ग्रो कर सकते हैं। और इसके बल्ब को 2-3 इंच डिक करके आप सॉइल को 2-3 इंच डिक करके इसको रख दीजिए बल्ब को, और 15-20 दिन के बाद इसके फोलियज निकलना चालू हो जाता है। तो ये रहा आज रेन लिली के बारे में, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट लिख करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। और मैं चाहती हूँ सभी के घर में एक रेन लिली हो जाए, वैसे ये फेंसिंग के पर्पस में भी काफी यूज होता है, पार्कों में ये मैं देखती हूँ फेंस में ये लगाया जाता है, क्योंकि ये कलरफुल फ्लावर देता है, येलो व्हाइट पिंक, तो इस तरह से ये यूज भी होता है। और आप चाहें तो एक जैसे जिसकी फोलिए सूख जाता है, आप थोड़ा सा इसको एक स्पून के हेल्प से इसके बल्ब को डिग आउट कर दीजिए, एंड कहीं पे एकदम मिट्टी इसका प्रिपेयर हुआ हो, मॉइस्ट मिट्टी हो, और इमिडिएटली उसको लेकर के आप प्लांट को, आई मीन द बल्ब को लगा दीजिए, सॉइल में डिप कर दीजिए, डिग कर दीजिए, और आफ्टर 15-20 डेज द फोलियज कम्स आउट, और अच्छा लगता है ये प्लांट, और आप जरूर लगाएं। ओके, थैंक यू, एंड हैव ए नाइस टाइम, थैंक्स अ लॉट।